hello everyone this is tripti welcome back to npc the channel where you can learn all the concepts of physics and uh, now move on to the next and last topic of this chapter electrostatic potential and capacitance and that is all about the effect of dielectric on capacitance okay and uh, two or three numericals this concept for best so let's begin our class इफ़ेक्ट ऑफ डाई ऑन कैपेसिटेंस ओके मीन्स अभी तक हमने कैपेसिटर के बारे में ये स्टडी किया था कि कैपेसिटर की जो टू प्लेट्स हैं पैरल प्लेट कैपेसिटर उसमें एयर भरी हुई है वैक्यूम में ठीक है ठीके? कोई मीडियम नहीं है बट अगर आप कोई मीडियम ले लें कोई डाई मीडियम फिल कर दें प्लेट्स के बीच में तो क्या इफेक्ट पड़ेगा कैपेसिटेंस पर ठीक है उसकी एबिलिटी शो होगी किस तरह से हाई होगी या लो होगी ये हम आज के वीडियो लेक्चर में समझने वाले हैं ओके सो स्टेट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ पैरल प्लेट ओके अभी ये कैपेसिटर को भूल जाओ पहले पैरेलल प्लेट के बारे में जो जो हमने स्टडी किया था पहले वो रिकॉल कर लेते हैं ठीक है पैरेलल प्लेट्स हैं टू प्लेट्स हैं एंड द एरिया ऑफ दिस प्लेट इज ए एंड डिस्टेंस बिटवीन

चार्ज होता है दैट इज़ प्लस क्यू जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो पूरे सिस्टम का पैरल प्लेट कैपेसिटर का चार्ज होता है मीन्स चार्ज क्या होगा प्लस क्यू ओके नाउ सरफेस चार्ज डेंसिटी ओके प्लेट जो है पॉजिटिव प्लेट्स एंड नेगेटिव प्लेट्स इनके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं तो पॉजिटिव के लिए हम सिग्मा प्लस ले लेते हैं एंड फॉर नेगेटिव सिग्मा नेगेटिव सिग्मा ले लेते हैं ठीक है माइनस सिग्मा ले लिया ये पॉजिटिव प्लेट के लिए ठीक है सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव सिग्मा एंड नेगेटिव प्लेट के लिए नेगेटिव सिग्मा ओके क्लियर है अब क्या किया है? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अब पॉजिटिव है नेगेटिव है मीन्स चार्जेस अवेलेबल है ऑन दिस प्लेट सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एग्जिस्ट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी सो डायरेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव ओके मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी ओके okay. उसे हम ई नॉट कंसिडर कर लेते हैं ठीक है अभी हमने क्या किया डायलैक्ट्रिक नहीं रखा है इन दोनों प्लेट्स के बीच में देन इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट फॉर एयर एयर है यहां पर तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नोट हमने कंसिडर कर लिया अब हम पैरल प्लेट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे फॉर पॉजिटिव प्लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए क्या होती है ई e प्लस पढ़ा था हमने सिग्मा बाई टू अप्सला नोट ओके ये हमने गाउस के एप्लीकेशंस में भी पढ़ा था ओके okay, मीन्स आपको जो लेयर ऊपर का जो लेयर होता है ऊपर का जो सरफेस होता है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय टू अपसेल नॉट ठीक है एंड यहाँ नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा सॉरी नेगेटिव के लिए सिग्मा बाय टू अपसेल नॉट क्योंकि चार्जेस तो सेम है नेचर डिफरेंट है बट चार्जेस क्या है सेम है यहाँ पर भी क्यू है और यहां पर भी क्यू है ठीक है थीके? बट नेचर सेम है यहाँ प्लस Q है यहाँ माइनस Q है सो so, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम और डायरेक्शन क्या होंगी डायरेक्शन दोनों की प्लस से माइनस इस डायरेक्शन में होगी ई e प्लस की डायरेक्शन ठीक है और नेगेटिव की भी नेगेटिव के टू होती है सो सेम डायरेक्शन होती है तो ऐड करते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस सिस्टम विदाउट डायलेक्ट्रिक क्या होगा ई e नोट हम ई नॉट कंसिडर कर रहे हैं तो ये होगा आपका सिग्मा बाय बायसल नॉट क्लियर है ठीक है अब बात करें हम कैपेसिटेंस ऑफ द पैरल प्लेट कैपेसिटर सी सी हमने वहाँ पर डिराइव किया था दैट इज़ गोइंग टू बी सिग्मा सॉरी आपसला नॉट ए बाय डी ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था लास्ट के वीडियो लेक्चर में ठीक है यहाँ तक हम पैरल प्लेट के बारे में जान चुके हैं कि ये सारी चीज़ें होती है अब क्या कर रहे हैं हम डायलैक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं ठीक है डाईलैक्ट्रिक मीडियम हमने इंसर्ट किया तो डाईलैक्ट्रिक मीडियम में क्या होता है कि डाईलैक्ट्रिक या फिर जो भी आप मटेरियल ले रहे हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फील्ड यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलराइज हो जाते हैं पोलराइज का सिंपल सा मीनिंग होता है डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्जेस में ठीक है मीन्स अगर आप एक एटम ले लें इस डायलैक्ट्रिक मीडियम का इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का तो ये इस तरह से डिवाइड हो जाएगा इधर नेगेटिव आ जाएगा इधर पॉजिटिव आ जाएगा ठीक है ये क्यों हुआ डिफ्रेंशिएट क्यों हुआ चार्जेस का क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर इस डायलैक्ट्रिक डाइलैक्ट्रिक पर इफेक्ट क्रिएट कर रही है ठीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पॉजिटिव चार्जेस चलते हैं तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएंगे एंड जो भी वैकेंसी होगी वो नेगेटिव चार्जेस इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये आपका पॉजिटिव प्लेट है तो पॉजिटिव प्लेट्स इन मोलिक्यूल्स के इन एटम्स के नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा सो नेगेटिव चार्जेस विल बी रिसाइड्स ऑन दिस फेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक ठीक है मीन्स यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है तो ये अट्रैक्ट करेंगे ओके सो नेगेटिवली फेस्ट हो जाएगा ये पूरा सरफेस पूरा फेस ठीक है डाइलेक्ट्रिक का और यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस आ गए तो जो भी वैकेंसी है वहाँ पॉजिटिव मीन्स ये जो सरफेस है इसके जस्ट सामने वाला ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा अब इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इन चार्जेस का पोलराइजेशन हुआ एंड चार्जेस क्या हुए रिसाइड्स हुए ऑन द फेसेस ऑफ द डाइलैक्ट्रिक तो इन चार्जेस को हम कहते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस ठीक है इन चार्जेस को हम क्या कहते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस ओके बिकॉज द चार्जेस विल बी डिफ्रेंशिएट बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सो इंड्यूस्ड चार्ज अब एक और चीज है कि जनरली हम जो डायलैक्ट्रिक यूज करते हैं कैपेसिटर में वो होता है माइका एंड ग्लास ठीक है मोस्ट ऑफ सॉलिड्स होते हैं और लिक्विड भी होते हैं गैस भी होते हैं डायलैक्ट्रिक बट यहाँ पर हम कैपेसिटर के केस में मोस्ट ऑफ सॉलिड्स डायलैक्ट्रिक यूज़ करते हैं तो जनरली माइका एंड ग्लास यूज होता है जो कि 100 परसेंट चार्जेस को पोलराइज नहीं करता है मीन्स अगर यहाँ पर कंडक्टर होता ओके अगर कंडक्टर होता तो सभी चार्जेस को अपने सरफेस पे ले आता इंटरनल या फिर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड दिस कंडक्टर वो ज़ीरो होती बट इस केस में ये जो केस है डायलेक्ट्रिक मीडियम का या डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस का इसमें सभी एटम्स जो हैं वो पोलराइज नहीं हो पाते हैं ठीक है तो कुछ न कुछ एक्सटर्नल फील्ड से जो भी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो लेस होगा ओके okay, अब वो कितना लेस होगा वो हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा इस डायरेक्शन में होगा ठीक है यहाँ इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से तो हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लेते हैं ठीक है चार्जेस जो हैं ये हमने क्या नाम नेम दे दिया इन चार्जेस को इंड्यूस्ड चार्ज क्यों क्योंकि ये जो चार्जेस हैं ये पोलराइज्ड हुए हैं ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ओके ये ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं हुए हैं जनरेट किस वजह से हुए इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ओके okay, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इंड्यूस्ड चार्जेस के कारण ओके okay, अगर आप इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी देखें तो यहां नेगेटिव है सो नेगेटिव सिग्मा आई लिख देते हैं एंड हियर पॉजिटिव सिग्मा आई इंड्यूस चार्ज की वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आई कंसीडर कर लेते हैं ओके okay, यहां तक क्लियर है अब इस डाईलैक्ट्रिक का जो डाय कांस्टेंट है उसे हम के कंसीडर करते हैं क्या के कंसीडर कर लिया हमने ओके अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोला मैंने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे तो लेस ही होगा ठीक है ये मीन्स यहां ई नोट इज ग्रेटर देन ई आई ओके और अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और कोई अपोजिट कर रहा है आपको अपोज कर रहा है इस डायरेक्शन में तो हमेशा हम उसको नेगेटिव करते हैं ठीक है मींस उन वैल्यूज को हम नेगेटिव करते हैं और जो ज़्यादा बड़ा है उसमें से आप छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं सो ई नॉट इज ग्रेटर देन ई आई ओके क्लियर है मीन्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप टेन मान लें टेन न्यूटन पर कुलम है एंड अगेंस्ट जो इंड्यूस चार्ज की वजह से टू कोलम पर टू न्यूटन पर कुलम इलेक्ट्रिक फील्ड है सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुई एट ठीक है इस तरह से भी आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं सो ई नेट इज इक्वल्स टू ई नोट माइनस ई आई ओके अब ई e नोट क्या होगी ई e नेट क्या होगी ई नेट ई नेट का मतलब क्या हुआ कि जब हमने इस सिस्टम में डायलैक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया मीन्स विथ डायलैक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ओके okay, तो हमने E इज इक्वल्स टू ये फॉर्मूला रीड किया है वन बाई फोर पाई अपसे नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर ओके दिस इज फॉर द एयर बट अगर हम मीडियम की बात करें तो यही फॉर्मूला अप्सला नॉट के हो जाता है मीन्स फोर पाई अफजला नॉट के इन टू क्यू बाई आर स्क्वायर यहीं से अगर आप एयर की बात करें तो इसे ई नॉट कंसिडर कर लें यहीं से जो आपका ई e नेट है या फिर ई फॉर मीडियम है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर मीडियम है वो क्या हुआ ई नॉट बाई के मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स डिक्रीज हो जाती है जब हम डाय इंसर्ट करते हैं पैरल प्लेट कैपेसिटर में ओके okay. मीन्स जब आप कोई मीडियम लेते हैं प्लेट्स के बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाती है के टाइम्स ओके ई नोट बाई के एंड हियर ई नोट माइनस ई आई क्लियर है अब हम ई e की वैल्यू को पुट करते हैं ई e नोट क्या होगा सिग्मा बाय तो उट हो जाएगा सभी में है सो आपके पास रिमेनिंग टर्म हुआ सॉरी के इज इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा आई ओके यहां से हम सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन दिस स्टाइल फाइंड आउट कर सकते हैं सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा ये टर्म हो जाएगा इस साइड माइनस में सो सिग्मा कांस्टेंट होके वन माइनस वन बाई के हुआ ठीक है ये यहाँ से आपका सिग्मा आई इज इक्वस टू सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा बाई के यहाँ से सिग्मा कॉमन लिया सो वन माइनस वन बाई के तो इस इक्वेशन से आपको ये क्लियर है कि सिग्मा आई की जो वैल्यू है वो लेस होगी सिग्मा से ठीक है मीन्स टोटल चार्ज फ्रॉम दिस पैरल प्लेट पैरल प्लेट के लिए जो चार्जेस हैं वो ग्रेटर होंगे इनसाइड दिस डायलैक्ट्रिक चार्जेस इंड्यूस्ड चार्जेस ओके क्लियर है अब बात करें पोटेंशियल की पोटेंशियल बिटवीन दिस प्लेट्स क्या होगा विथ डायलैक्ट्रिक एंड विदाउट डायलेक्ट्रिक फर्स्ट ऑफ ऑल हम विदाउट डाइलेक्ट्रिक की बात करें सो so, वी और ई e में पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन क्या है ई नॉट इनटू डी ठीक है डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई डिस्टेंस ये है विदाउट डाईलैक्ट्रिक विदाउट डाइलैक्ट्रिक ठीक है अब हम डाईलैक्ट्रिक इंसर्ट कर दें डाईलैक्ट्रिक इंसर्ट कर दें तो ई e नॉट बन जाता है ई नॉट बाई के एंड मल्टीप्लाई डी ओके डिस्टंस तो सेम ही है बिटवीन दिस प्लेट्स नाउ वी इज इक्वल्स टू ई नोट डी ई नोट मल्टीप्लाई डी क्या हुआ वी नोट सो वी नोट बाई के सो इट इज क्लियर फ्रॉम दिस इक्वेशन वी नोट इज ऑल्सो डिक्रीजेस के टाइम्स ठीक है पोटेंशियल विल भी आल्सो डिक्रीजेस के टाइम्स फॉर दिस इंसर्टिंग डायलैक्ट्रिक ठीक है यह क्या है विथ डायलैक्ट्रिक इक्वेशन है आपकी विध डाई पर पोटेंशियल की बात करें. क्या बात करें करें क्या की तो capacitance की ठीक है तो जब हम विदाउट डायलेक्ट्रिक यूज करेंगे सो सी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई वी नॉट ठीक है ये विदाउट डायलेक्ट्रिक नाउ डायलैक्ट्रिक इंसर्ट करने पे यही इक्वेशन हो जाएगी Q v नॉट के प्लेस पे v नोट बाई के हो जाएगा ठीक है मीन्स डायलैक्ट्रिक विथ डायलेक्ट्रिक हुआ ये विथ डायलैक्ट्रिक और v जो है v नॉट बाई के होगा सो वी नोट बाई के और क्यू बाई वी नोट क्यू बाई वी नोट होता है सी नोट तो यहां से आपको ये इक्वेशन जो मेन इक्वेशन आई है आपकी के इन टू सी नोट से ये क्लियर होगा कि कैपेसिटेंस इज ऑलवेज इंक्रीजेस विथ द डायलैक्ट्रिक मीन्स डायलैक्ट्रिक इंसर्ट करने पर कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है के टाइम्स ओके एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ओके okay, डायलैक्ट्रिक हम इसीलिए इंसर्ट करते हैं ताकि प्लेट्स जो हैं प्लेट्स के बीच में आपकी कैपेसिटेंस जो इंक्रीज हो जाए के टाइम्स ओके मीन्स प्लेट्स में कैपेसिटी होल्ड करने की चार्जेस को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए इसीलिए हम कैपेसिटेंस में डाइलैक्ट्रिक यूज़ करते हैं ठीक है और एक और इंपॉर्टेंट uh, ये चीज है कि डाइलेक्ट्रिक जो यूज किया उसका एक और पर्पज़ है कि आपके जो टू प्लेट्स हैं दोनों पर नेगेटिव चार्ज हैं मीन्स ऑपोजिट चार्ज हैं तो ऑपोजिट चार्जेस के कारण ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स क्रिएट करेंगे एंड दैट इज द अट्रैक्टिव फोर्स सो अट्रैक्टिव फोर्स के कारण ये स्टीक हो जाएंगे ठीक है प्लेट्स स्टीक हो जाएंगी सो प्रिवेंट ऑफ दिस प्रॉब्लम वी कैन यूज द डायलैक्ट्रिक ओके डायलेक्ट्रिक इसलिए भी यूज किया जाता है अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं बेस्ड ऑन द डायलैक्ट्रिक ओके आपके पास एग्जाम्पल फर्स्ट रहे फर्स्ट एग्जाम्पल में आपने क्या किया है पैरल प्लेट्स ली टू पैरल प्लेट्स ली और उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया ठीक है के इसका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है एंड डिस्टेंस जो है थिकनेस जो है डायलैक्ट्रिक की वो हम टी कंसिडर कर लेते हैं ठीक है टोटल डिस्टेंस इन दोनों प्लेट्स के बीच में डी है ठीक है थिकनेस क्या है यहां पर टी नाउ ए एरिया ऑफ दिस प्लेट्स एरिया ऑफ दिस पैरल प्लेट हम ए कंसिडर कर लेते हैं ठीक है अब आपको बताना है जब हम डायलैक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस क्या, क्या होगा ठीक है वॉट विल बी द कैपेसिटेंस सी जो है वो आपको मेजर करना है तो C की जो वैल्यू है पैरल प्लेट के कैपेसिटर के लिए अफ्सलन नॉट A बाई D है ठीक है अगर आप यहां पर अफ्सलान जो है वो तो कांस्टेंट वैल्यू है ये क्या है ये जो इक्वेशन है ये मैंने एयर के लिए लिखी है ओके अब अगर आप मीडियम ले लें ले, तो अपसलान जो भी मीडियम का डायलैक्ट कॉन्स्टेंट है के है तो के से मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है एंड ए इज द एरिया ऑफ प्लेट एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन देम देखिए अब ये जो प्लेट्स हैं ये इस तरह से ये वन प्लेट ओके okay, एक ही प्लेट हमने इंसर्ट की तो ये पैरेलल प्लेट के बीच में इस तरह से रखी हुई है कि ये जो एयर वाला मीडियम है इसमें और डा वाला मीडियम है ये दोनों सीरीज में है ठीक है मतलब वन बाय वन है ये आपका एयर का है मतलब पैरल प्लेट कैपेसिटर है और इनके बीच में इन दोनों प्लेट्स के बीच में ही हमने एक डाईलैक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो ये दोनों किस कंडीशन में है सीरीज में ठीक है जैसे हम इस तरह से रखते हैं कैपेसिटर को तो सीरीज में हो जाते हैं तो इस उसी वे में ये आपने जब डाईलैक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो आपके टू कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई होगी टू कैपेसिटेंस हो, बनेंगे विथ डायइलेक्ट्रिक एंड विदाउट डायलेक्ट्रिक ठीक है ये एयर वाला पोर्शन और ये डायइलैक्ट्रिक वाला पोर्शन और इन दोनों को मिलाकर जो नेट कैपेसिटेंस होगा दैट इज वन बाय सी इज इक्वल टू हम एयर के लिए सी नॉट कंसिडर कर ले या सी कंसिडर कर ले सी वन कंसिडर कर लेते हैं एंड फॉर मीडियम C2 टू कंसिडर कर लेते हैं तो सीरीज के लिए आपके पास कैपेसिटेंस की इक्वेशन ये होती है ओके okay. नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ सी वन बाई सी ये तो नेट हुआ कैपेसिटी फॉर दिस सिस्टम नाउ एयर के लिए एयर के लिए क्या होगा वन बाई एप्सल नोट ए बाई देखो ये जो पूरा आप डिस्टेंस ले रहे हैं इसमें आपको ये वाला डिस्टेंस नहीं लेना है ठीक है मीन्स डायलैक्ट्रिक हटा देना है अभी सिर्फ हम एयर की ही बात कर रहे हैं तो यहाँ डिस्टेंस क्या होगा अपॉन d माइनस टी टोटल डिस्टेंस माइनस टी ठीक है थीक्नेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इसको आपको रिमूव करना है तो d माइनस टी ले लिया ठीक है दिस इज फॉर एयर नाउ वन बाय एप्सल नॉट ओके ये आपका मीडियम है ठीक है डाईलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के यहाँ पर इंसर्ट होगा ओके okay, एंड a बाई डी क्या है डिस्टेंस t है सो बाई टी हो जाएगा ओके okay, अब ये हुआ d माइनस टी अफ्सला नॉट ए प्लस टी अफ्सला नॉट के इंटू ए अब यहाँ से टर्म अफ्सला नॉट ए कांस्टेंट हो रहा है ओके okay? एंड d माइनस टी प्लस टी बाई के सो c इज इक्वल्स टू हुआ अफ्सला नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी अपॉन किए ठीक है सो दिस इज द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर विथ डायलैक्ट्रिक ओके डायलैक्ट्रिक इंसर्ट करने पर जो कैपेसिटेंस फाइनल कैपेसिटेंस आया दिस इज ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ये जो डायलैक्ट्रिक अभी हमने वन डायलैक्ट्रिक ही इंसर्ट किया है अगर आप टू डायलैक्ट्रिक्स ले लें ठीक है टू मीडियम्स ले लें ये प्लेट्स हैं आपकी पॉजिटिव प्लेट है नेगेटिव प्लेट है और हमने डायलैक्ट्रिक जो है वो टू कंसिडर कर लिए है के वन डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फॉर फर्स्ट मीडियम एंड दिस इज के टू थिकनेस हम टी वन एंड टी टू कंसिडर कर लेते हैं टोटल डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेट्स इज डी ओके एंड द एरिया ऑफ दिस प्लेट इज ए सो सी कैपेसिट इज इक्वल टू एप्सल नोट ए बाई डी दिस इज फॉर पैरल प्लेट कैपेसिटन नाउ दिस थ्री आर इन दीरीज ओके ये तीनों सीरीज में है तो सीरीज का जो फॉर्मूला है वो आपको अप्लाई करना है सी वन बाय सी वन सॉरी वन बाय सी इज इक्व टू वन बाय सी वन वन बाय सी टू प्लस वन बाय सी थ्री ठीक है सो टोटल कैपेसिटन्स होगा फॉर फर्स्ट फर्स्ट हम एयर कंसिडर करते हैं ठीक है तो एयर के लिए आप सल ए बाई डी डिस्टेंस क्या होगा इन दोनों को आपको रिमूव करना है मीन्स मीन्स क्या होगा अपॉन यहां पर ऊपर लिख दू मैं डी माइनस टी वन प्लस टी टू इन दोनों को आपको इन दोनों थिकनेस को आपको रिमूव करना है ठीक है क्योंकि ये वाला पोर्शन एयर है ये वाला पोर्शन एयर है और ये ये दोनों जो स्पेसेस हैं उसको माइनस करना पड़ेगा इन इन एयर के स्पेस के लिए ठीक है सो टी वन प्लस टी टू को आपने रिमूव कर दिया नाउ फॉर सेकेंड सेकेंड ये वाला जो फर्स्ट डायलैक्टिक है वो सो वन बाय एप्सिलॉन नॉट के वन ओके एंड ए एरिया तो सेम है सो ए बाई टी वन सिमिलरली दिस इज टी टू एप्सल नॉट के टू इसे सॉल्व करिए सो एप्सल नॉट ए सभी में से कॉमन आ जाएगा सो वन बाय एप्सल नॉट ए कॉमन टर्म हियर डी माइनस टी वन प्लस टी टू ओके एंड ये हुआ टी वन बाई के वन टी टू बाई के टू टोटल कैपेसिटेंस को इस तरह से भी लिख सकते हैं आप नॉट ए बाय डी माइनस टी माइनस टी टू एंड प्लस टी वन टी वन बाय के वन प्लस टी टू बाय के टू ये आपका फाइनल आंसर आया जब हमने टू डायलैक्ट्रिक्स मीडियम इंसर्ट किए विथ डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के वन एज वेल एज के टू ओके फाइनली इस तरह से आपका वे होगा आपको सॉल्व करना होगा इन क्वेश्चन को ठीक है अब हम एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पैरल प्लेट कैपेसिटर के बीच में पैरल भी एंड सीरीज में भी ठीक है उस तरह से डायलैक्ट्रिक रखे हुए हैं उसे कैसे सॉल्व करते हैं लेट सी सो वी हैव टू प्लेट्स पॉजिटिव प्लेट्स एंड नेगेटिव प्लेट्स अब डिस्टेंस जो है टोटल डिस्टेंस डी है एंड एरिया ऑफ दिस प्लेट ए अब हमने क्या किया कि ये वाला जो पोर्शन है इससे आपने क्या किया सैक्रीगेट किया ठीक है ये के वन डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ओके दिस इज के वन डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एंड डिस्टन्स बिटवीन दिस के वन डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज डी बाई टू टोटल डिस्टेंस डी है तो so, हमने हाफ में डायलैक्ट्रिक के वन इंसर्ट किया एंड इससे इस को हमने क्या किया डिवाइड कर दिया के टू एंड के थ्री मीन्स तीनों में जो सब्सटेंस है वो डिफरेंट डिफरेंट फील कर दिए ठीक है यहाँ पर भी डिस्टेंस क्या होगा डी बाई टू हाफ डिस्टेंस है अगर आप इन की लेंथ को कंसिडर कर लें सो सपोज एल लेंथ और एल लेंथ यहाँ पे अब हमने क्या किया कि जो डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स हैं वो थ्री मटीरियल्स हैं ठीक है ठीके? और वो पैरल प्लेट के बीच में इंसर्ट कर दिए यहाँ के टू एंड के थ्री ये जो डायलैक्ट्रिक्स हैं वो पैरल में एड है ठीक है क्योंकि हमारा जो एम रहता है कि सीरीज में कब होगा जब हम प्लेट्स के साथ में डायलैक्ट्रिक देखते हैं सो so ये फर्स्ट वाला तो सीरीज में है बट अभी देखना ये जो प्लेट्स हैं वो इस तरह से रखी है मैंने पहले मैंने यहाँ पर ली थी इस तरह से ली थी पहले हमने प्लेट्स को इस तरह से ली थी और इस तरह अगर बीच में डायलैक्ट्रिक फिल कर दें तो सीरीज में इस तरह से होगा बट अभी हमने इन प्लेट्स को ढाक के ऐसे रख दिया तो डायलैक्ट्रिक जो है वो सीरीज में इस तरह से होगा तो ये तो सीरीज में है फर्स्ट वाला बट ये दोनों एक दूसरे से पैरल में है तो पहले इन दोनों को सॉल्व करें इसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस लेकर आए तो ये तीनों क्या हो जाएंगे सीरीज में ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस टू डायलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट टोटल कैपेसिटेंस सी इज टू C2 टू प्लस सी ठीक है ये पैरल और पैरल की कंडीशन है डायरेक्टली एड करना है आपको एब्सलोन नॉट यहाँ पर K2 हो जाएगा ओके K2 टू बाय डिस्टेंस कितना हो जाएगा D बाई टू एंड यस A A जो है एरिया एंड एरिया जो है दोनों प्लेट्स के लिए ए फर्स्ट प्लेट के लिए अगर टोटल एरिया ए है सो ए बाई टू एंड ए बाई टू क्योंकि दोनों की जो लेंथ है वो डिवाइड है इक्वली ठीक है दोनों की जो लेंथ है वो इक्वली डिवाइड है इसलिए ए बाई टू हो जाएगा एरिया एंड फोर थर्ड अपसलान नॉट के थ्री ए बाई टू एंड डिस्टेंस डी बाई टू ये टू से टू कैंसिल आउट हो गया सो अफ्सलान नॉट यहाँ से कॉन्स्टेंट टर्म क्या है नॉट ए बाई डी एंड हियर के टू प्लस के थ्री तो ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो कैपेसिटेंस आपको मिला सी वो है ठीक है नाउ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर दिस सिस्टम सो सी इक्विवेलेंट ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे सो ओवरऑल कैपेसिटेंस क्या होगा फॉर दिस सिस्टम वन बाय सी इक्वीवेंट इज इक्वस टू यहाँ फॉर सी वन ओके एंड इन दोनों का वो जो कॉम्बिनेशन है आपका सी सो वन बाई सी बस आपको वैल्यूज पुट करनी है सी वन की वैल्यू वन बाई नॉट के वन ओके एंड एरिया ऑफ दिस प्लेट ए डिस्टेंस हो जाएगा डी बाई टू सो डी बाई टू ओके प्लस वन बाई सी सी की वैल्यू है ये सो नॉट ए के टू प्लस के थ्री बाय डी है तो डी कर दें ओके सो वन बाय सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डी बाय टू एप्सला नॉट के वन ए प्लस डी बाय एप्सला नॉट ए के टू प्लस के थ्री हियर कॉन्टेंट टर्म डी बाई अप्सला नॉट ए कॉन्सटेंट टर्म हुआ ओके एंड हीयर वन बाई टू के वन प्लस वन बाई के टू प्लस के थ्री टेक एल्शियम सो डी बाई अफ्सलान नॉट ए एंड के टू प्लस के थ्री प्लस टू के वन ओके एल्शियम टू के वन के टू प्लस के थ्री ठीक है एलसीएम ये हुआ एंड हीयर टू के वन सो टू के वन इज कैंसल आउट एंड के टू प्लस के थ्री के टू प्लस के थ्री हेयर के टू प्लस के थ्री इज कैंसल आउट एंड हेयर टू के वन ओके एलसीएम लेके हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया नाउ सी इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा चेंज हो जाएंगी वैल्यू नोमिनेटर डिनोमिनेटर की सो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हेयर टू के वन के टू प्लस के थ्री अपॉन टू के वन प्लस के टू प्लस के थ्री अब इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं सी इक्वेलेंट इज इक्वल टू टू मल्टीप्लीकेशन में सो टू एब्सोला नोट ए बाय डी के वन के टू प्लस के थ्री एंड टू के वन प्लस के टू प्लस के थ्री तो ये आपका फाइनल इक्वेशन आया फॉर दिस थ्री डायलैक्ट्रिक्स ओके थ्री डिफरेंट डिफरेंट हमने डायलेक्ट्रिक मटीरियल्स यूज किए फॉर द कॉन्सटेंट के वन के टू एज वेल एज के थ्री देन वी हैव टू द इक्वेलेंट कैपेसिटेंस सी इक्वेलेंट इज इक्वल टू दिस ओके सो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स क्लियर हुए होंगे सिंपल ही है आपको कुछ नहीं करना है सी इज इक्वल्स टू सी नाट इन टू के डाइलैक्ट्रिक लगाने से कैपेसिटेंस जो है वो कैपेसिटर का इंक्रीज हो जाता है के टाइम्स ओके एंड इंक्रीमेंट से ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को होल्ड कर सकते हैं कैपेसिटर में इसीलिए हम डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट यूज़ करते हैं या डायलैक्ट्रिक्स यूज करते हैं एंड बिटवीन पैरल प्लेट कैपेसिटर ओके सो आई होप आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हैं एंड ये टॉपिक आपका यहीं एंड होता है अब हम कुछ इंपॉर्टेंट और भी न्यूमेरिकल्स देखेंगे एंड देन इम्पॉर्टेंट फार्मूला और क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे ओके सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू सो मच